आए अब देखें कि ऑडिट ओपिनियन या ऑडिट रिपोर्ट में जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं, इनफैक्ट सारी की सारी क्लीन रिपोर्ट्स जो है ना सिमिलर हैं। कंपनी का नाम बदला जाता है, डेट बदली जाती हैं, एंड दैट्स ऑल, वरना अदरवाइज एवरीथिंग इज़ द सेम। ओपनिंग पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ, सब के सब सेम, लेकिन फिर भी कंटेंट्स का पता होना चाहिए। द टाइटल, ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, ऊपर रिपोर्ट ही लिखा है लेकिन दरमियान में ओपिनियन मेंशन की जाती है। एड्रेस, ऑडिटर ऑडिटर का एड्रेस। ओपनिंग और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इसमें बताना पड़ता है कि आपकी जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, नोट्स टू द अकाउंट्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, वो सारी की सारी हमने इन अकॉर्डेंस टू कंपनी ऑर्डिनेंस और एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाई गई, ये ओपनिंग पैराग्राफ में बता। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर कर देते हैं कि जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अकाउंट्स बनवाएं और प्रेजेंट। तो जो अकाउंट्स आपको दिए गए हैं, देखिए वो अपनी तरफ से तो उनके फाइनल होते हैं, जो मैनेजमेंट अकाउंट देती है ना ऑडिट के लिए, वो फाइनल होते हैं उनकी तरफ से, लेकिन वो फाइनल जब तक नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे ऑडिट से, उनको आप प्रिंट नहीं करवा। तो इसलिए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कुछ भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडिटर को फॉर ऑडिट पर्पज़, मेक श्योर कि वो इन ऑल रिस्पेक्ट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हों। मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस टू द FIRS रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑडिट। और ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बताए कि हमने जो ऑडिट किया है दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो प्लस द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाई द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाई द स्टॉक एक्सचेंजेस बाई SSP। ये सारी डिटेल जो है वो उसमें बताना पड़ती है। ऑडिट ओपिनियन बेसिकली क्या है, ट्रस्ट ट्रू एंड फेयर व्यू रेफर टू द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, यानी ये बेसिकली ट्रू एंड फेयर व्यू बताती है। मतलब जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये 100% करेक्ट नहीं कहे जा सकते। आप ये कहेंगे ये टोटली फ्री फ्रॉम एनी एरर, नो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखे ना बनाने वाले तो कोई और हैं, आपने तो देखे सिलेक्शन, देखे ये भी नहीं होता कि आप 100% ऑडिट करते हो हर चीज़ को 100%, नो। तरीकाकार ये होता है कि आपके पास करंट ईयर और लास्ट ईयर की दोनों फिगरें होती हैं, ठीक है, आप ये देखते हैं कि किस फिगर में एक्सेप्शनली इंक्रीज या डिक्रीज आई, तो आप फिर क्या करते हैं सिलेक्ट कर ले कि हमने इस एरिया में से ये चीज़ें पिक कर ली, और ये पिक करने का जो तरीकाकार है ये भी बाकायदा ऑडिट में रूल्स में दिया गया है कि हाउ टू सिलेक्ट द आइटम, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो सिलेक्शन जो है वो भी एक सिस्टम के तहत वो करते हैं, क्योंकि 100% ऑडिट तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि भाई आप हर एंट्री को देखें, कैसे पॉसिबल है। तो आप ये देखें कि जहाँ एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स आ रही हैं, कुछ ज़्यादा बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, तो देखें रीजंस क्या है, वहाँ से फिर आप पिक करते हैं आइटम्स को और फिर उसको आप वेरीफाई करते हैं, उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन ट्रेल पूरी देखते हैं, और जब आप सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि ट्रू एंड फेयर है। अच्छा, फिर उसके बाद डेट ऑफ रिपोर्ट भी है, ऑडिटर एड्रेस भी है, उसके सिग्नेचर्स भी हैं। इसमें एक पैराग्राफ आता है रिपोर्ट में आखिर में, उसको हम कहते हैं कि जी ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक इन्होंने कोई ज़कात नहीं डिडक्ट, ये हर रिपोर्ट के साथ, क्योंकि हालांकि ज़रूरी है लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कि अगर की हो तो वो नहीं लिखेंगे ये, अदरवाइज वो लिखते ज़रूर हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को कि प्लीज़ जो भी रिपोर्ट आपको अवेलेबल है या नेट से सर्च कर लें, आप उसमें ऑडिट रिपोर्ट पढ़ें, एंड यू विल सरप्राइज कि मोस्ट ऑफ देम आर द सेम, कि सेम ही है, कोई चेंज है ही नहीं। लेकिन जहाँ एडवर्स ओपिनियन है वो आपको बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत सीरियस होती है अगर एडवर्स ओपिनियन दी जाए, तो इसलिए आप ज़रा रिपोर्ट वहाँ से भी चेक कर लें। अब देखिए लिखते क्या है शुरू में, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ABC कंपनी ऑन 30 जून 2020
we state that we have obtained all the information and explanation which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit. But ye sentence kafi, kyunki usne kaha na ki hamari knowledge aur belief ke mutabik humne jo kuch manga, jo explanation mangi, hame de di gayi hai, and that's enough. ये मेंशन करना जरूरी है रिपोर्ट में. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. यानी ऑडिटर ये भी चेक करता है कि इस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है. अगर साउंड है, अच्छा है, तो उनका काम थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी उनकी वेरिफिकेशन में थोड़ी आसानी हो जाती है. लेकिन अगर वो ये देखते हैं कि इंटरनल कंट्रोल में कहीं डिफेक्ट है, तो उनकी ड्यूटी फिर और बढ़ जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फिर वो फर्दर उसमें जाएंगे, डिटेल में जाएंगे. एंड कंपेयर द प्रेजेंट प्रेजेंटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कन्फॉर्मिटी विद द अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस. जैसे कहा ना कि अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स एंड अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें वो देखेंगे कि अकॉर्डिंगली हैं कि नहीं. लेकिन इतने स्टैंडर्ड्स हमने स्टडी किए हैं अभी इसी कोर्स में, तो सारे स्टैंडर्ड्स को वो देख सामने रखते हुए आपके अकाउंट्स को देखते हैं. हमने तो कम किए हैं, वैसे तो 41 हो गए हैं अब, हमने तो 20 के करीब किए हैं, तो वो जो बाकी के ये 21 हैं उनमें भी देखना. अगर कंपनी के अकाउंट्स बना चेक करने, तो आपने सिर्फ ये नहीं जो हमने पढ़े हैं, सारे स्टैंडर्ड्स को देखें कि जो जो स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं इस कंपनी के लिए, वो उन्होंने फॉलो किए हैं कि नहीं किए. आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दिस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अवर ऑडिट. वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं और कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं करते. वी कंडक्ट अवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान. एज आई सेड कि इनके भी स्टैंडर्ड्स हैं, यानी ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड हैं, जैसे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हैं, इस तरह ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड, और उन स्टैंडर्ड्स में क्लियर है कि जी आपने ऑडिट कैसे प्रोसेस करना है, शुरू से लेके आखिर रिपोर्ट तक आपने कैसे जाना है, एंड यू गो बाय दैट ऑडिट स्टैंडर्ड. और ये फाइल जिसका मैंने जिक्र किया शुरू में, कि दे हैव टू मेंटेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो ऑडिट उन्होंने परफॉर्म किया है. ये नहीं है कि आप वो ना मेंटेन करें, इसलिए कि वो तो आपका एक डॉक्यूमेंट है, उसी के बेस पर आप अपने आप को बचा सकते हैं. अदरवाइज अगर कोई गड़बड़ होती है किसी कंपनी में, तो ऑडिटर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल. वी बिलीव दैट अवर ऑडिट प्रोवाइड्स अ रीजनेबल बेस फॉर ओपिनियन एंड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन वी रिपोर्ट दैट. ये है वो जो ओपिनियन देते हैं. नंबर वन, इन अवर ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑर्डिनेंस. जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नंबर ऑफ बुक्स, सिंपल कैश बुक नहीं, जनरल लेजर, ऑल दोज, तमाम बुक्स जो है वो मेंटेन की हुई है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फर्दर इन अकॉर्डिंग्स विद द अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंसली अप्लाइड. यानी जो फिगरें आपने रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी हैं, दे आर इन कन्फर्मिटी विद द फिगर्स अपियर्ड इन योर रिकॉर्ड. ये नहीं है कि आपके रिकॉर्ड में कुछ और फिगर है और बैलेंस शीट में कुछ और फिगर दिखा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता. और फिर दूसरी बात, कंसिस्टेंस अकाउंटिंग पॉलिसी. ये अकाउंटिंग पॉलिसीज में, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन या स्टॉक वैल्यूएशन की पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है जो आपने पिछले साल फॉलो की है, वही आपने अगले साल लेके जानी है. अगर किसी वजह से आपने चेंज की है पॉलिसी, तो पहले तो ये श्योर करना पड़ेगा कि आपने चेंज क्यों की, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी. और जस्टिफिकेशन के साथ साथ कुछ चीज़ों में ये कि आपको पिछले साल के अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और फिर मैच करेंगे. तो ये भी ज़रूरी है कि आप ये मेंशन करें कि ये अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पॉलिसीज जो हैं उसी के मुताबिक बनाए गए हैं. एंड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वॉज फॉर द पर्पज ऑफ द कंपनीज बिजनेस एंड इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. जो भी एक्सपेंस हुआ है, That is for the business, company's business के लिए हो. किसी personal director के expense को इसमें आप नहीं ला सकते. सिर्फ company के लिए जो खर्चा हो वो इसमें आए. Expenses की details होती ना, administration के हैं, selling distribution के हैं, interest ये वो, सारा जो है वो company का हो, किसी इधर उधर से figure ना डाली गई हो कोई उसमें, तो check करना पड़े. C में है
in the manner so required and respectively give a true fair view of the state of the company's affair as on that date, jis date ko aapka accounting year end hota hai. So ye basically clean report ki paragraphs hain jisme ki aapne keh diya ki sab kuch theek hai aur accordingly chala hai. और इस पर फिर डेट डालनी है आपने. चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन होते हैं. आज के दौर में एक चीज़ और आ गई है कि सिर्फ वो कंपनी जो ऑडिट कंपनी होती है ना उसकी मोहर लगाते हैं और उसके साइन करते हैं पूरी. लेकिन अब ये भी बताना पड़ रहा है कि जी इस ऑडिट का इंचार्ज कौन था. यानी डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे लोग हैं ना ऑडिट में भी, तो आपका जो पार्टनर है उस पार्टनर का जो इस पर्टिकुलर एरिया का इंचार्ज है. अब देखिए इसमें होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि एक जो ऑडिटर है वो हर बिजनेस का ऑडिट जानता, ऐसा नहीं होता. बल्कि कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं. टेक्सटाइल के ऑडिट के लिए एक स्पेशल पर्सन है, बैंकर के लिए एक स्पेशल पर्सन है, और लेट्स से स्टील वालों के लिए अलग है, कंस्ट्रक्शन वालों के लिए अलग. इस तरह से भी है. बाई एक्सपीरियंस दे नो कि जी टेक्सटाइल में क्या चीज़ आती है, एनर्जी सेक्टर में क्या चीज़ आती है. ये सारी चीज़ें जो है ना ये ट्रेनिंग के थ्रू उनको बताई जाती हैं कि आपने इस टाइप ऑफ बिजनेस को ऑडिट करना है. तो अकॉर्डिंगली वो अपना नाम दे देते हैं आजकल के दौर में. पहले नहीं था. पहले सिंपल ऑडिट कंपनी की रिपोर्ट का साइन होते थे और स्टैंप्स होती थी. अच्छा, इन प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट वी ऑडिट फॉलो दीज रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. द रिपोर्ट स्टेट दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ये भी है ऑडिट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में बहुत कुछ है कि जी आपने किस तरह से, हमने डिस्कस कर चुके हैं ये शुरू के टॉपिक में, कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक अकाउंट्स बनेंगे. एंड डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द ऑडिटर्स विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डायरेक्टर का काम है अकाउंट्स बनाकर प्रेजेंट करना, लेकिन वो प्रेजेंट उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि ऑडिटर्स को वेरीफाई नहीं कर लेगा. यानी ऑडिट किसी के लिए, ऑडिटर में इंटरनल ऑडिट का जो डिपार्टमेंट है वो भी, और ये मिलकर फिर जब उसको बैठ कर स्टडी करते हैं और क्लीन रिपोर्ट देंगे तब ये प्रेजेंट होंगे. द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज दोज सर्कमस्टांसिस इन विच कंपनी हैज नॉट कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व्ड सच पॉलिसीज इन करंट पीरियड इन रिलेशन टू द प्रीसीडिंग पीरियड. अगर आपने, जैसे मैंने कहा कि कोई पिछले पीरियड के और इस पीरियड के कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आपको ये भी मैंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. और जैसे कहा कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी. यू हैव टू बी सेटिस्फाइड कि जी अगर चेंज आई है तो ये फॉर द बेनिफिट या फॉर द सेक ऑफ द कंपनी, कंपनी की बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल. इन प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट द ऑडिटर फॉलो दीज रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. में एक चीज और है, यूजर्स आर टू रिगार्ड द इंफॉर्मेटिव डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रीजनेबली एडिक्वेट अनलेस द रिपोर्ट स्टेट अदरवाइज. यानी जिनके लिए आप बना रहे हैं ना, शेयर होल्डर्स के लिए. अब शेयर होल्डर्स का तो नाम है ना, बेसिकली एवरीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड विद द कंपनी. अगर फर्ज करें बैंकर जो है वो भी तो आपसे कहता है पहले स्टेटमेंट्स लाएं बैंकर, और वो देखते हैं कि ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट क्या है. अगर तो क्लीन है देन स्टार्ट गोइंग अहेड, फिर बात करते हैं आगे. लेकिन अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट ही में कोई गड़बड़ है तो वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, आपको स्ट्रेट वे कह देंगे सॉरी वी कॉन्ट एक्सटेंड यू द लोन. तो ये ज़रूरी है कि एडिक्वेट जो आपका जो है ना सही इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज करनी चाहिए, ताकि ऑडिटर जो है वो फिर अपना आपको सेव कर सके. फोर्थ क्या है, द ऑडिटर द रिपोर्ट शुड कंटेन अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ द करेक्टर ऑफ द ऑडिटर्स एग्जामिनेशन इफ एनी एंड द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग टेकन. अनफॉर्चुनेटली सम केसेस में ऑडिटर और मैनेजमेंट कोलाइड कर लेते हैं, यानी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और जहाँ ये कंप्रोमाइज होगा वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, और वो कंपनी ज़्यादातर ज़्यादा अरसे पर स्टैंड नहीं कर पाती, ज़्यादा अरसे तक कंटिन्यू नहीं करती हैं, वहाँ कहीं ना कहीं पर आकर रुक जाता है काम. नंबर ऑफ कंपनीज आई नो कि जहाँ पर ऑडिटर्स ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी तो मैनेजमेंट ने अकाउंट्स प्रेजेंट कर दिए और लेटर ऑन प्रॉब्लम्स आई हैं. हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना सख्त डिसिप्लिन नहीं है कि अगर लेटर ऑन प्रॉब्लम है तो ऑडिटर, नाम तो ख़राब होता है ऑडिटर का अगर बाद में पता चलता है, लेकिन सजाएं सुझे एक ज़रूर है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारा इदारा, वो ऐसे ऑडिटर्स को रिप्रीमांड करते हैं कि अगर आपने कोई गलत रिपोर्ट दी है ना तो वहाँ से आपको लेटर मिलेगा. बल्कि समटाइम आपकी फर्म को भी वो
डिसऑन कर सकते हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सिस्टम है, लेकिन स्टिल इतनी बड़ी कंपनियां हैं तो कहीं ना कहीं लोग बकायदा से वह अनाउंस करते हैं, लिख कर भेजते हैं कि देखें जी आपने ये गलती की है और आपको इसकी ये सजा है, वो सारा कुछ मेंशन कर देते हैं। तो दैट इज़ हाउ दीज रिपोर्ट्स आर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर। थैंक यू वेरी मच।